तो आज हमने वीडियो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के मैथ कॉलम के ऊपर बना रहे हैं, जो कि 8 जनवरी 2023 को हुआ था। तो लेट्स गेट वी स्टार्टेड। तो 26th क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है मैथ का। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग इज 37 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फारेनहाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है 9 मल्टीप्लाई सेल्सियस अपॉन 5 प्लस 32। तो हमने पहले इसको सॉल्व किया, 9 मल्टीप्लाई 35.5 को सॉल्व किया तो 66.6 हमारा आंसर आया। उसमें हमने 32 प्लस किया तो 98.6 फारेनहाइट हमारा आंसर आया। बट इन फोर ऑप्शंस में से कोई भी 98.6 नहीं है, इसलिए नियर बाय 98.5 इज अ राइट ऑप्शन। 27 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन -50 एंड 72 इज, इसको सिंपल है, 50 अगर डिफरेंस बिटवीन का है, एक और माइनस का सम लगेगा और वो दोनों प्लस होके एक प्लस का सम बना, और जब ये दोनों सम में कन्वर्ट होंगे तो इन दोनों का सम आएगा 122, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। 28 क्वेश्चन, एच प्लस 18 केजी 5 एजीएस केजी। इसको सिंपल सिंपली हमें करना है, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर 18.005 ग्राम आएगा, जो कि लास्ट है। 29th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन 1 किलोमीटर व्हेन यू कन्वर्ट अ किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1000 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो एडली हमारे मल्टीप्लाई करके इनकी टोटली 6 जीरोस बनती हैं, जो कि है सेकंड ऑप्शन। 30th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 99। तो 90 को हम एक्ससी कहते हैं और 9 को हम आईएक्स कहते हैं, सो 9 को हम एक्ससी आईएक्स कहेंगे, जो कि थर्ड है। बट हम इसे आईसी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये मीनिंगलेस है, और इसमें 4 आईज आ गए, ये भी मीनिंगलेस है, और इसमें 4 एक्स आ गए, इसलिए ये भी मीनिंगलेस है। सो अब 31st क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एक्स एल आई आई प्लस सी एक्स सी आई वी माइनस एल एक्स आई आई। साइड में मैंने आपको बता दिया एम सी एल एक्स आई को हम क्या कहते हैं, और ऊपर मैंने इनका कैलकुलेशन करके भी लिख दिया है, तो हमारा एडली आंसर 1173 बन रहा है, जो कि फर्स्ट वाले के इक्वल है। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल होज मेजर इज 29 मोर देन द डिफरेंस ऑफ 136 एंड 77। अगर हम 136 और 77 का डिफरेंस करें तो 59 आएगा, अगर हम उसमें 29 प्लस करें तो 88 हमारा आंसर आएगा, जो कि एक एक्यूट एंगल है। 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द एंगल इन गिवन फिगर इज लार्जर देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल होते हैं, मतलब हमें स्ट्रेट एंगल से ज्यादा का एक चाहिए, ये एक एक्यूट एक्यूट एंगल है, बी एक एक्यूट एंगल और डी भी एक एक्यूट एंगल है, सी हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल है जो कि स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, तो ओनली सी इज लार्जर देन टू राइट एंगल्स। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट है ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर डायमीटर्स, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो इसको हमें कुछ ऐसे करना है, कॉर्ड होती है आर ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर डायमीटर्स, नो, बिकॉज ए कॉर्ड कभी कैन बी सेंटर को टच भी कर सकती है और कैन बी नहीं भी कर सकती है, बट जो डायमीटर होता है वो सेंटर को टच करके जाता है और दोनों पॉइंट पे टच करता है, जो एक कोड का वर्क होता है। ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब हमारा 35th क्वेश्चन, अ बुलो कार्ट इज कैरिंग 230 केजी ऑफ सैंड टू अ कंस्ट्रक्शन साइट इफ 4.65 kg sand slipped away on the way to the site, then find the amount of the sand that reached the site. इसमें हमें सिंपल माइनस करना है 230 में से 4.65 को, हमने जब माइनस कर लिया तो हमारा आंसर आया 225.35, जो कि लास्ट है। The, if the speed of a car is reduced from 100 km to 50 km, then the time taken to cover the same distance.
तो 100 किलोमीटर स्पीड है हमारी, अगर वो हाफ रिड्यूस्ड हुई है तो उसको हमारा डिस्टेंस कवर करने को टाइम लगेगा डबल। तो इसका ऑब्वियसली आंसर हुआ थर्ड। ट्रेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1862 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर पर आवर, कंप्यूट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 1862 किलोमीटर है एंड स्पीड हमारी 98 किलोमीटर पर आवर है। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारा लास्टली आंसर आया 90, जो कि है थर्ड। फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आया 100012, बिकॉज इसमें 0 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है और 2, ये 3 से फॉर्म हुआ है और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 6 डिजिट, और ये लार्जेस्ट 3 डिजिट 9 भी है, 8 भी है और 7 भी है। ये लार्जेस्ट डिजिट, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 3 से मेक। अगर हम इन दोनों का सम करें तो वो आएगा 109999, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सब्ट्रैक्ट 28576 फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3058। तो हमने पहले इसका स्मॉलेस्ट बना लिया 10358 एंड लार्जेस्ट बना लिया 85310। इनका सम किया 95668 और जब इनको हमने माइनस किया तो हमारा लास्टली आंसर आया 67092, जो कि फर्स्ट है। अब हम बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। द कम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ द स्ट्रेट एंगल विल बी, तो 1/4 ऑफ 180 स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है 180। हमें 1/4 फाइंड करना है तो हम इसे कटिंग करेंगे और हमारा 1/4 45 आ जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है, कप्लीमेंट। तो कप्लीमेंट किसके इक्वल होता है 90 के। अगर हम 90 से 45 को माइनस करेंगे तो लास्टली आंसर आएगा 45, जो कि है एक एक्यूट एंगल की इक्वल और हाफ ऑफ अ राइट एंगल। तो बोथ ए एंड डी आर आवर आंसर एंड 4th इज आवर राइट ऑप्शन। एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ अ हाफ ऑफ अ राइट एंगल, फाइंड इट्स सप्लीमेंट। पहले हमने एंगल्स 3 टाइम्स ऑफ अ हाफ, पहले हमने हाफ फाइंड किया राइट एंगल का जो कि है 45। 45 को हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 135 को अब हम सप्लीमेंट करेंगे तो 180 माइनस 135 इक्वल्स टू 45। 4th इज अ राइट ऑप्शन। व्हाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट व्हिच फ्रैक्शन विल बी एट द सेकंड लास्ट प्लेस। तो पहले हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जो मैंने कर लिया है। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखेंगे। तो 0.33, 0.46, 0.6 एंड 0.3। तो लास्टली बना 0.6 आया आंसर, जो कि 3/5 के इक्वल है। तो 4th इज आर राइट ऑप्शन। अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हम इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो 0.64 किसके इक्वल है 9/14 के, 0.67 2/3 के, 0.83 5/6 के और 0.87 7/8। इसलिए 3rd इज आवर राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन में। द टेबल बिलो शोज द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन अ शॉप। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस टू दैट ऑफ कॉफी एंड मीट। पहले तो हमें शुगर और राइस का कंबाइंड प्राइस निकालना पड़ेगा और कॉफ़ी और वीट का। तो इन दोनों का शुगर और राइस का कंबाइंड प्राइस 180 आया और कॉफ़ी और वीट का 300। हम इनकी रेशियो फाइंड करेंगे तो 180/300, इसको हम 60 से कट करेंगे तो फाइनली हमारी रेशियो आएगी, फ्रैक्शन में हमारा 3/5 आएगा, जिसको हम रेशियो में 3:5 भी कह सकते हैं। तो 4th इज़ आवर राइट ऑप्शन। All these numbers should be added to each term of the ratio 7:13 to get the ratio 2:3. अगर हम 5 एक हमने इसमें से आंसर ले लिया 5, अगर हम इसमें इसको सम करेंगे 7 प्लस 5 एंड 13 प्लस 5 तो आ जाएगा 12 प्लस
12/18. अगर हम इसे 6 से कट कर देंगे 2/3 हमारा आंसर आएगा फ्रैक्शन में, और इसे हम 2:3 भी कह सकते हैं, यानी 5 इज आवर राइट ऑप्शन। भाई सैली को वॉच फॉर ₹1275 जेम लॉस्ट 15% एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो एट टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 10%। तो ये एक लॉन्ग कैलकुलेशन है, आप ऐसे ही देख सकते हैं इसे, बट एंडली हमारा आंसर आता है 1650, वो हमारा थर्ड ऑप्शन है। सीमा एंड रवि इन्वेस्टर ₹1,50,000 इन बिजनेस इन द रेशियो 2:3 एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 150% ऑन द इन्वेस्टेड सम इफ दे शेयर द प्रॉफिट मनी इन द सेम रेशियो देन व्हाट विल बी द सीमा शेयर। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा 150% 1,50,000 इक्वल्स टू 225 इक्वल्स टू 2,25,000। सीमा शेयर कितने हैं 2/5, अगर हम इसको 2 से 2,25,000/5 करेंगे तो हमारा लास्टली आंसर आएगा 90,000 जो कि फोर्थ है। अब हम बढ़ते हैं 47th क्वेश्चन पे, 48th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बोर्ड इसमें बोडमास का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारे फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है। अगर हम फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास के फॉर्मूला से 25 + 49 / 7 × 5 - 6, पहले हम डिवाइड करेंगे डिवीजन 25 + 7 × 5 - 6, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 + 35 - 6, हम एडिशन करेंगे 35 अगर और 25 को हमने प्लस किया तो 60 आया, और 60 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आएगा 50। अब बढ़ते हैं हम हमारे 49th क्वेश्चन पे, जो है 9 + (3 - 9) + 2 - 6 डिवीजन 2। तो ये भी हमारा सिंपल है, इसको भी हम डीमास के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं, और लास्टली आंसर हमारा 4th 28 आया। द मीन फॉर 13, 14, 19, A17 is 22 एंड द वैल्यू ऑफ A। तो ये अलजिब्रा है, हम पहले सबको प्लस करेंगे अपॉन 5 = 22, 63 + 8 = 22 + 5, और लास्टली हमारा आंसर आता है 37 जो कि है फर्स्ट। Given below are the runs scored by a batsman in 4 matches. Calculate the average scored by the batsman. Match kitne 4 hue. Runs kitne mare? First mein 35, second mein 0, third mein 6 and fourth mein 98. Toh hum isse average find karni hai. Toh hum pehle 4 ko plus karenge, upon 4 karenge. Cutting se aa gaya 34.75 jo ki fourth option hai. 100% of 4 days is 6 hours. Ye calculation लॉन्ग कैलकुलेशन, आप इसे ऐसे ही देख सकते हैं। लास्टली हमारा आंसर आया 25/4 जो कि हमारा थर्ड है। तो 53rd क्वेश्चन पे आएंगे हम, मैथ लिस्ट आई विद लिस्ट 2, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर स्पेस ऑफ 2 रेडियस, रेडियस हाफ ऑफ अ सर्कल सेमी सर्कल एंड हाफ ऑफ अ डायमीटर रेडियस। तो ये सारे मैच कर रहे हैं थर्ड से, तो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। 3 cubes or edge is 4 आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एज टू एज टू एज। तो हमने पहले क्यूब का वॉल्यूम निकाली है जो कि है 64, अगर हमने 3 की निकाली है तो 3 × 64 जो कि इक्वल है 192 के, जो कि थर्ड ऑप्शन है। The perimeter of one face of a cuboid is 40 cm. The length and depth of this cuboid is 13 cm and 8 cm. Then find the volume of the cuboid. इसमें भी फॉर्मूला लगे हैं, पहले हमें ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। ब्रेथ इज इक्वल टू पैरामीटर माइनस 2 × लेंथ / 2। तो हमने पहले पैरामीटर 40 दिया है हमें, और हमारी लेंथ 13 दी है, पर हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया अपॉन 2।
हमने ये सब किया, 40 में से 26 माइनस किए तो 14 अपॉन 2 आ गया, और 2 से अगर हमने 14 को कट किया तो 7 हमारा डिवाइड किया तो 7 हमारा आंसर आ गया। तो अब वॉल्यूम होती है, एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो लास्टली हमारा आंसर आता है 738 सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑफ द फ्लोइंग आर फोर कॉन्सिक्यूटिव कंपोज नंबर, तो इसका आंसर है फोर्थ। कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट बोले तो इसमें जैसे इन तीनों ऑप्शन ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि इनमें एक ना एक प्राइम है, जैसे फर्स्ट में 23, सेकंड में 61, थर्ड में 59, तो फोर्थ इज आर राइट ऑप्शन। हम बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन पे। अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 100 इज, तो ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस होता है, तो सेकंड ऑप्शन में 2 का डिफरेंस ही नहीं है, और इसमें एक कंपोज 99 एक कंपोजिट है, और फोर्थ में 87 एक कंपोजिट है, तो 71 एंड 73 आर आवर प्राइम एंड देयर डिफरेंस इज 2, इसलिए फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेम द ट्रायंगल शोन बिलो बेस्ड ऑन द बोथ साइड्स एंड एंगल्स, ये एक स्केलेन है क्योंकि इसकी हर साइड डिफरेंट है इन एंगल्स, तो ये स्केलेन हुई, और बाकी तीनों ऑप्शंस में स्केलेन नहीं दिए, इसका मतलब हमारा सेकंड ही आंसर है। गिवन बिलो आर टू स्टैंडर्ड वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर। Assertion A, right angle triangle is not a regular polygon. Reason are the sides and angles of a regular polygon are equal. Yes, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So B is our right option. Find the value of 54 divided by 0.009. So it's simple. Hai. 9 se agar hum 54 ko divide karenge to 6 se hoga aur 3 zeros aa gaya chahiye. 6000 is our right option. बढ़ते हैं हम 61st question पे। A batsman scored 190 runs, which included 10 boundaries and 66. What percent of total score did he make by running between the wickets? तो इसका formula होता है। पहले उसने 6 कितने मारे? 6, 36 हो गया वो। और 4 कितने मारे? 10. तो 40, 40 प्लस 36 इक्वल्स टू 76, जो रिमेनिंग बचे 190 में से 76 किए तो 114 उसने रनिंग से लिए रन्स। अब एक्स निकालना है हमें जो कि है रनिंग रन्स की वैल्यू परसेंटेज, तो 114 अपॉन 190 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी कटिंग करनी, और लास्टली हमारा आंसर आया 60, तो 60% इज अवर राइट ऑप्शन। Tia is doing a paper cutting. She cuts out four identical square corners of the rectangular sheet as given in the figure. Find the area and perimeter of remaining sheet. तो पहले हम इसका perimeter निकालेंगे. Perimeter is equal to 2 into L plus B. तो breadth हमारी 24 है. Sorry, breadth हमारी 20 है and length हमारी 24 है. इसको हम अगर multiply करेंगे तो plus करेंगे तो 44 आ जाएगा. अगर 44 को 2 से multiply करेंगे तो 88 आ जाएगा. मतलब 2 और 4 हमारे आंसर नहीं है क्योंकि इसमें 80 सेंटीमीटर दिया है पैरामीटर, और 4 इंड 16 और 4 80 में से हमारा कोई आंसर है। हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 24 मल्टीप्लाई 20, तो 480 आ गया। रिमेनिंग ए ऑफ एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स कितना होगा? 4 बाय 4 साइड बाय साइड यानी 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 16। अब 4 बॉक्स का टोटल एरिया कितना होगा? 64, क्योंकि हमने 16 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 16 एरिया है और 4 स्क्वायर से, तो 64 आ गया। अब एरिया ऑफ हमने रिमेनिंग पार्ट का फाइंड करना है, जो कि होगा 480 माइनस 64, तो लास्ट में हमारा आंसर है 416 जो कि फर्स्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, तो एरिया हमने पहले पूरी फिगर का फुल फिगर का निकालेंगे जो कि है 28.8। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया? 4.25। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 28.8 माइनस 4.25 जो कि 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। अब बढ़ते हम 64th क्वेश्चन पे। अ फार्मर बोरोड अ सम ऑफ 10,000 फ्रॉम अ बैंक एट 5% रेट ऑफ पर एनम,
हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे, ये एस सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. तो हमने इनको कर लिया. लास्टली मेरा आंसर है 1500 जो कि सेकंड है. रिजूल टुक 50,000 फ्रॉम अ पर्सन फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. फाइंड द अमाउंट पेड बाय रिजूल रिजूल टू दैट पर्सन आफ्टर 3 years. पहले हमें एस आई निकालना पड़ेगा, जो कि होता है पी इंटू आर इंटू अपॉन 100. एस आई हमारा 1200 आ गया. अब हमें कहा है कि अमाउंट भी निकालनी है. तो अमाउंट के फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल कितनी है 50,000 एंड सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 12,000. इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया आंसर 62,000 जो कि है सेकेंड. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द कम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल. फर्स्टली तो 2/3 क्या होता है राइट एंगल का, 60. कम्प्लीमेंट ऑफ 60 कितना हुआ, 90 - 60 = 30. अब सप्लीमेंट ऑफ 30 क्या हुआ, 180 - 30 जो कि है 150. इन द फिगर गिवन द मेजर ऑफ एक्सिस. तो अगर हम तीनों को अगर x प्लस 47 प्लस 56 करें तो 180 बनेगा टोटल सम, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है. और अगर हम 56 और 47 को प्लस कर दें तो 103 आ जाएगा. तो x इक्वल्स टू 180 - 103 जो कि आएगा 77. तो थर्ड इज अवर राइट ऑप्शन. द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर 78,60,443. तो प्लेस वैल्यू भी 6 की 60,000 है, फेस वैल्यू भी 60,000 है. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 360 करोड़. फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट. इसमें 2 डिजिट दिए हैं 0 और 1, इसमें भी 2 डिजिट दिए हैं. ये तो एक 2 डिजिट नंबर है और ये एक 5 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बाय 3 डिजिट, क्योंकि इसमें 0, 1 और 2 भी है. तो फोर्स इज आवर राइट ऑप्शन. द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड 3 बोथ, देन बाय विच अदर विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल. तो 8 एंड ऑल इट्स फैक्टर, नो, बिकॉज 3 से और सारे फैक्टर 8 के डिवाइड नहीं करते हैं. और फैक्टर ऑफ 3 नहीं, 8 के फैक्टर 3 से कभी डिवाइड नहीं करेंगे. और फैक्टर ऑफ 12 नो, बिकॉज 8 की टेबल में 12 आते ही नहीं है. फैक्टर्स ऑफ 24 क्योंकि 8 3 24 और 3 8 24 होते हैं. तो फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल्स टू थर्ड आंसर हमारा आंसर है फैक्टर ऑफ 24. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विद एलसीएम ऑफ 112 इज 4032. द एचसीएफ ऑफ टू नंबर विल बी, तो ये एक पहले फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ. तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हमें 4032 इक्वल्स टू 112 मल्टीप्लाई एचसीएफ फाइंड करना है. तो हमें 4032 और 112 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि डिवाइड करके 36 हमारा राइट आंसर है. हम बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन पे. द कॉस्ट ऑफ डजन हेडफोन्स इज ₹78,564. समर वांट टू बाय 5 हेडफोन्स, फाइंड द अमाउंट टू पेड बाय हिम टू गेट 5 हेडफोन्स. तो ये यूनिटरी मेथड है. फर्स्ट हमें वन हेडफोन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी जो कि है 7856. अच्छा, जो वन एक डजन होता है उसमें 12 थिंग्स होती है. तो हमें पहले 58 जो 12 हेडफोन्स हैं वो ₹78,564 के इक्वल है. तो 78,564 डिवाइड बाय 12 जो कि आता है ₹65,47. तो कॉस्ट ऑफ 5 कैसे निकलेगी, 6547 मल्टीप्लाई 5 जो कि आएगी 332,735 जो कि है सेकंड ऑप्शन. त्रिशे रेंजिंग फ्रूट दिस इज फॉर 40 क्लासमेट, शी वांट टू सर्व 250 ऑफ जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेराबैग शी रिक्वायर फॉर सर्विंग, ईच टेराबैग कंटेन्स 2.5 लीटर. तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट 40 और वो एक स्टूडेंट को 250 मिलीलीटर सर्व करना चाहती है. पूरी क्लास को टोटल 10,000 मिलीलीटर क्या लगेगा, और 10,000 मिलीलीटर 10 लीटर के इक्वल होते हैं. तो वन टेराबैक्स किसके इक्वल है, 2.5 की. अगर हम 2.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो 4 टेराबैक्स चाहिए हमें पूरी 40 क्लासमेट को सर्व करने के लिए. तो 4 इज आवर राइट ऑप्शन. कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो.
इसलिए इसकी हमने सिंपल कटिंग करनी है, 7 से 34 2 एंड 15 से 45 3, 3 2 से 6, यानी थर्ड इज अवर राइट ऑप्शन बिकॉज 1 अपॉन 6, तो थर्ड इज अवर राइट ऑप्शन. Radhika bought 8 into 1.4 kg of fruits. She used 2 into 5.6 kg of fruit in pudding and kept the rest for salad. So, simply, it's 33 upon 4 minus 70, 17 upon 6. इनकी हमने fraction की total इन दोनों की उसने इतना used कर लिया तो हमने इसमें से उतना minus कर लिया. तो lastly हमारा answer है 65 upon 12 जो कि mixed fraction में 5 into 5 upon 12 के equal है. तो हमारा 5 into 5 upon 12 is our right option. Thank you. अगर कोई suggestion आए तो comment में जरूर लिखें.